नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है, हर पहल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं औरंगाबाद जिला का दाऊद नगर प्रखंड में सोन पुल पर खड़े हैं। यह सोन पुल जो है औरंगाबाद यानी दाऊद नगर और नासरीगंज को जोड़ने का कार्य करता है। यह पुल बनने से भोजपुर और औरंगाबाद गया के लोगों को काफ़ी सुविधा हुआ है। कहा जा रहा है कि यह दो संस्कृतियों का मेल है। यह पुल जो है दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ता है, मगध और भोजपुर को, यानी मगध क्षेत्र को और भोजपुर को आपस में जोड़ता है। दोनों संस्कृतियों को आपस में मिलाने का कार्य करता है यह पुल। को जब से उद्घाटन हुआ है, दोनों तरफ से आवागमन शुरू हो गई है, लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। चलिए हम थोड़ा सा इस पुल का जायज़ा लेते हैं, घूमते हैं कि किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया है और इस सोन में सोन की दूरियां क्या है, तमाम चीज़ों के संबंध में क्या इसकी संस्कृति रही है मैं बताऊंगा। यह दाऊद नगर सोन के पुल दो संस्कृतियों व इतिहास को जोड़ने का काम करेगा। नासरीगंज को सूफी संत ने बसाया तो दाऊद नगर को सूबेदार ने। मीर साहब थे फकीर तो दाऊद खां थे औरंगजेब के सिपह सालार। राजनीतिक, सांस्कृतिक व व्यापारिक गतिविधियां इस पुल के बन जाने से सहज हो गई है। दाऊद नगर और नासरीगंज को जोड़ने वाली यह सोन के पुल पर मेरी रिपोर्ट जाने माने पत्रकार उपेंद्र कश्यप के रिपोर्ट पर आधारित है। बताते चले कि नासरीगंज दाऊद नगर सोन पुल चालू हो गया है। दोनों शहरों को जोड़ने का काम अब पूरा हो गया है। इस पुल के बनने से दो संस्कृतियों और इतिहास का मिलन हो गया है। दोनों शहर के साथ एक कॉमन बात है कि दोनों ही किसी न किसी द्वारा बसाया हुआ शहर है। नासरीगंज को मीर नासिर देहलवी ने बसाया था तो दाऊद नगर को दाऊद खां ने। एक संत फकीर तो दूसरा बादशाह औरंगजेब का सिपल सालार, बिहार का गवर्नर और दाऊद नगर को बसाने वाला नवाब। दोनों शहर सोन के पूरब पश्चिम किनारे पर स्थित और औद्योगिक नगरी के लिए गुलाम भारत में प्रतिष्ठित। ओमकार प्रसाद ने बताते हैं कि सासाराम के बाद नासरीगंज ही मशहूर था। साबुन, कागज, कंबल, मिल की उद्योग, बुनकर उद्योग थे। पानी से मिल चलता था। शताब्दियों तक दोनों के बीच आवागमन का माध्यम नाव रहा है और अब आधुनिक लंबा चौड़ा PCC पुल जो सीधे हाईवे से जुड़ा है और उस पर फराटे भर रही आधुनिक लग्जरी गाड़ियां। लोगों के लिए यह यातायात आसान हुआ है और इससे व्यापार में वृद्धि तय है। दोनों तरफ सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ पारिवारिक रिश्तेदारी निभाना आसान हो गया है। हम यह भी बताते चलें कि यह इलाका काराकाट लोकसभा का क्षेत्र का हिस्सा है। निर्वाचन आयोग ने दोनों जिले औरंगाबाद और रोहतास के एक हिस्से को मिलाकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र नाम दिया है। प्रत्याशियों को इलाका भ्रमण के लिए काफ़ी दूरी तय करनी होती थी, अब यह दूरी कम हुई है और सहज भी। दूसरी ओर हम दाऊद नगर के इतिहास की ओर भी चलते हैं। दाऊद नगर हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब के सिपह सालार दाऊद खां का बसाया शहर है। यह शहर 16वीं सदी का है। यहाँ पीतल का देश ख्यात उद्योग था। पानी से चलने वाला मिल 1912 में स्थापित किया गया था। इस शहर का अपना लिखित इतिहास है। 17वीं सदी में लिखे गए तालीख ए दाऊदिया संक्षिप्त इतिहास बताता है। वहीं श्रवण संस्कृति का वाहक दाऊद नगर पुस्तक जो उपेंद्र कश्यप के द्वारा लिखा गया है, इसमें जन्म से लेकर 2014 तक का इतिहास बताता है। वहीं दूसरी ओर मीर नासिर के नाम पर नासरीगंज शहर बसाया गया है। नासरीगंज निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नकीब अहमद जैसे लोगों का मानना है कि सूफी संत मीर नासिर देहबली के नाम पर यह शहर बसा हुआ है। वे दो सदी पूर्व यहाँ आए थे। उनका मजार वहाँ है, जहाँ हर धर्म के लोग शुक्रवार को मिठाई चढ़ाने और अगरबत्ती जलाने पहुँचते हैं। कुछ लोगों का मत है कि संत कभी कभी कुछ लोगों को चलते दिख जाते हैं। हर धर्म के लोग दुआ मांगते हैं
और उनकी मुराद पूरी होती है, उन पर किताबें लिखी गई है। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता नेता ओमकार प्रसाद ने बताया कि नील की खेती कराने वाले एक बड़े अधिकारी की बेटी बीमार पड़ गई थी, उसे अपने नुस्खों से मीर साहब ने स्वस्थ कर दिया था। पूरी बस्ती उस अधिकारी ने मेरे साहब को दान दे दी। बाद में उन्होंने लोगों को जमीन देकर बसा दिया, सबको करीब 20 डेग या 22 डेग जमीन दे दिया। जैसा कि आपने देखा कि यह जो दाऊदनगर में बना हुआ जो पुल है सोन नदी पर, वह दो संस्कृतियों को जोड़ता है। सारी कहानी आप तक पहुँचाएँ हमने, मैंने पहुँचाया। मैं सुनील कुमार बॉबी अपने कैमरामैन आलमगीर अख्तर के साथ।